नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। अमर जवान ज्योति के विलय पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लो न बुझने की परंपरा का सम्मान जरूरी। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस फैसले का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए। बीएसपी ने जारी की दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट। मायावती ने दिया हर पोलिंग बूथ को जिताने का नारा। बीएसपी चीफ मायावती ने चुनाव के लिए नारा दिया है हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता मिलाना है का नारा देकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। मायावती के चुनाव प्रचार न करने पर प्रियंका गांधी ने जताई हैरानी, बीजेपी पर भी कसा तंज। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हैरानी वाली बात अभी तक ये है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं हो पाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर अकाली दल ने फोड़ा वीडियो बम, कहा चरणजीत चन्नी हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी और हनी की तस्वीर और वीडियो जारी किया। अकाली दल ने कहा सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र हनी के यहाँ 55 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चला है। यूपी की सत्ता में लौटे तो आईटी सेक्टर में देंगे 22 लाख नौकरियां, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ऐलान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कई आईटी हब बनाए जा सकते हैं और 2022 में सरकार बनी तो हम इस सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे। जिलाधिकारी से बातचीत में बोले पीएम मोदी, पिछले 4 सालों में देश के हर परिवार को शौचालय मिला, हर गांव तक पहुंची बिजली। पीएम मोदी ने कहा हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग हर परिवार को शौचालय मिला और हर गांव तक बिजली पहुंची है। शिमला में शराब के नशे में पुलिस से उलझा सैलानी, एएसआई को जड़ा थप्पड़। ढली थाना प्रभारी ने बताया कि 2 गाड़ियों में टक्कर होने से वहीं पर तैनात पुलिस जवान ने मौके पर थाने को सूचना दी थी, जिसके बाद वहां पर पहुंची पुलिस ने सैलानी से अभद्रता और मारपीट। मुंबई में 18 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत, 28 घायल। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल भाटिया अस्पताल में 13, नायर अस्पताल में 2 और कस्तूरबा अस्पताल में 1 व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,37,000 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए केस सामने आए हैं और 488 लोगों की मौत हो गई। गणतंत्र दिवस के पहले पंजाब को दहलाने की कोशिश नाकामयाब, आरडीएक्स समेत भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, 1 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के पहले पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद किया है। पंजाब में मिले भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव से हड़कंप मच गया है। अगली खबर पंजाब से, केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा, हद पार कर रहे हैं, बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को दूसरों की छवि खराब करने के लिए आरोप लगाने की आदत थी। उन्होंने कहा कि अतीत में भी देखा गया था कि कैसे वह बाद में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हैं। पुणे में स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे, बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र भर में खुल रहे हैं 24 जनवरी से स्कूल, फिलहाल ये आदेश 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या और तेजी को ध्यान में रखते हुए अगली मीटिंग में आगे की योजना तय की जाएगी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने सीएम उद्धव ठाकरे के आदेश से राज्य के सभी स्कूलों को अगले सोमवार यानी 24 जनवरी से शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली में सर्दी की स्थिति के साथ बारिश, ठिठुरन बढ़ने के साथ और गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जारी है, ऐसे में मौसम विभाग ने होने वाली ठंडी हवाओं के बीच होने वाली इस बारिश से और ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई है। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली चुनावों के बाद बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा बंद है लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक समान शैली की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वे उस तरह की राजनीति से लाभान्वित हो रहे हैं। मुंबई में अब 2 शिफ्टों में होगा वैक्सीनेशन, 18 साल से अधिक उम्र वालों को सुबह और किशोरों को दोपहर में दी जाएगी वैक्सीन। किशोर किशोरियों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया है, इसमें तेजी लाने के लिए मुंबई महापालिका ने वैक्सीनेशन मुहिम को 2 सेशन में करने का ऐलान किया है। शराब के नशे में 50 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। विजयनगर पुलिस थाने प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि जब व्यक्ति मोबाइल टावर से नीचे उतरा तब वो नशे में धुत था, हमने उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। कोरोना के दौरान मासूमों पर पड़ा गहरा असर, स्कूली बच्चों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार। कोरोना महामारी के कारण बच्चों में तनाव और डर की स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में बच्चों में कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर सर्वे करवाएगी।
दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वो देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।